पुलिस इस फलाई काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने पूरे सिंध पुलिस के अफसर और जवान को ये मैसेज दिया है कि मुश्किल टाइम में सिंध के अवाम की मदद करनी है और जहाँ जहाँ पे लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी रसाई में उनकी मदद करनी है। उसमें यह है कि न सिर्फ ये कि सिंध पुलिस अपनी तरफ से डोनेट कर रही है चीज़ों को, बल्कि जो रफाई इदारे या जो मुखैर हजरात चीज़ें पहुँचाना चाह रहे हैं और उनको मुश्किल आ रही हैं उनको हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं और वॉल्टियर्स भी हम उनको दे रहे हैं। तो मेरी तमाम से गुजारिश है कि हमने क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर सिंध पुलिस की तरफ से बनाया है, उसके नंबर्स हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे आप न सिर्फ ये कि हमें कॉल करके हेल्प के लिए बता सकते हैं, बल्कि अगर कोई चीज़ डोनेट करना चाहते हैं वो भी आप हमारी मदद के साथ उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पर अपनी वो रिक्वायरमेंट लिखवा सकता है, हम कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँच के पूरे सिंध के अंदर हम उनकी मदद कर सकें। इस मुश्किल घड़ी में सिंध पुलिस सिंध के आवाम के साथ है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। जहाँ जहाँ से हमें रिक्वायरमेंट आ रही है हम वो नोट डाउन कर रहे हैं और सिंध के तमाम अज़ला में हम चीज़ों को भेज रहे हैं। और हमने ये एक SOP बनाई है कि जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है हम लोगों को एक पॉइंट पे पुलिस थाना है या पुलिस चौकी है या DC ऑफिस है या AC का ऑफिस है असिस्टेंट कमिश्नर का, वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं। वहाँ पे एक एक बंदे को या एक फैमिली को हम राशन बैग दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों और कोई लोग इस तरीके के ना आ जाएँ जिनको ज़रूरत ना हो राशन की और राशन लेके जाएँ। इस तरीके से हम कोशिश करें कि हमारी मैक्सिमम रीच हो पूरे सिंध के अंदर और जहाँ पर इवन रास्ता नहीं है ज़मीन है वहाँ पे हम कश्तियों के थ्रू उन गांव में जा रहे हैं और वहाँ पे जाके राशन पहुँचा रहे हैं। जिन जिन की रिक्वायरमेंट आ रही है हम कोशिश करें डेली बेसिस पे उनको हम लोकली हेल्प करवाएं या यहाँ से सामान भेजें। अगर किसी की रह जाती है तो हमें फिर से वो कॉल करके बता सकता है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।